नमस्कार। आज हम इस पुराने शर्ट का यूज़ करके एक बहुत ही छोटा आसान लेकिन बहुत ही यूज़फुल डीआईवाई करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शर्ट में यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेंगे। देखिए स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। देखिए इसे हमने कट कर लिया सीधा। अब यहाँ से नापेंगे हम, यह है 22 इंच। अब देखिए इंची टेप को हम यहाँ से रखेंगे, इस तरह से बिल्कुल सीधा रखेंगे। यहाँ पे 22 इंच पे निशान लगा देंगे और इसे सीधा खींच लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने 22 इंच में निशान लगाया और फिर से यहाँ तक बिल्कुल सीधा लाइन खींच ली इसकी। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने सीधी लाइन खींच के बिल्कुल सीधा कट कर लिया है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से भी हम 22 इंच में निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ से और यहाँ से इसे भी सीधी लाइन खींच लेंगे, इस तरह सीधा खींच लेंगे इसे भी। देखिए इस तरह अब इसे भी यहाँ तक सीधा कट कर लेंगे। देखिए इसे ऐसे घुमाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे 22 इंच में निशान लगाया है और एक निशान हमने यहाँ से 22 इंच पे लगाया है। अब इन दोनों निशानों को इस तरह सीधा मिला लेंगे। अब इसे भी कट कर लेंगे, बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे। देखिए शर्ट में से हमने 22 इंच बाय 22 इंच के दो स्क्वायर पीस कट कर लिए हैं। अब इन्हें एक साइड रख देते हैं। देखिए शर्ट के आस्तीन लेंगे, सबसे पहले से इस तरह सीधा कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम 3 इंच में निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह सीधा खींच लेंगे। इसे भी कट कर लेंगे। देखिए इसे कट कर लिया हमने। अब देखिए सिलाई वाली साइड है, देखिए इस तरह से इसे भी यहाँ से सीधा कट कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से एक पट्टी कट कर ली हमने शर्ट में से। अब इसे इस तरह लेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी में यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए पट्टी में हमने मोड़ते हुए सिलाई लगाकर इस तरह पट्टी तैयार कर ली है। अब इसे एक साइड रखते हैं, इसे लेंगे इस तरह से। अब इसे ये सीधी साइड है, इसे इस तरह पलटेंगे, इस तरह से उल्टा करेंगे, इसे एक के ऊपर एक बिछाएंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है, ये उल्टी साइड है। अब इस पट्टी को लेंगे, इसे इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे, इसे इसके अंदर डालेंगे, इस तरह रखेंगे, इसे इस तरह रखेंगे। अब इसके चारों तरफ हम किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, इस तरह चारों तरफ इसकी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसके चारों तरफ हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली चारों तरफ। देखिए अब इस कॉर्नर को पकड़ेंगे इस तरह से, इस तरह देखिए इस तरह पकड़ेंगे। दोनों सिलाई एक साथ आनी चाहिए दोनों तरफ से। ये देखिए यहाँ से अब यहाँ से दोनों तरफ से एक तरफ आनी चाहिए सिलाई। इसे इस तरह रखेंगे सीधा इस तरह से। अब यहाँ से लेंगे हम, देखिए यहाँ से लेंगे जहाँ से कपड़ा शुरू हो रहा है, ये यहाँ से इस तरह 4 इंच में निशान लगाएंगे। अब निशान को हम बिल्कुल सीधा खींच लेंगे, इस तरह स्केल रखेंगे और इस निशान को बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। अब इसे इस तरह पकड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक इस निशान पे एक सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस निशान पे यहाँ से यहाँ तक हमने सीधी सिलाई लगा ली है। अब इस बार के कपड़े को हम कट कर लेंगे। देखिए दो कॉर्नर हमने तैयार कर लिए हैं, बाकी के दोनों कॉर्नर भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। देखिए इसके चारों कॉर्नर हमने सिलाई कर लिए, ये देखिए चारों कॉर्नर हमने तैयार कर लिए। अब यहाँ से हम इसके बटन खोलेंगे। इसे इस तरह पलटेंगे, सीधा करेंगे इसे, इसे कॉर्नर निकाल लेंगे अच्छी तरह से। देखिए इसके कॉर्नर निकाल लिए हमने बाहर।
अब देखिए इसमें हम साड़ियाँ रख सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं, छोटा ब्लैंकेट रख सकते हैं, बेडशीट रख सकते हैं, तो मैं इसमें बेडशीट रखूंगी। एक साथ इसमें काफी बेडशीट आ जाती हैं। अब इसे यहां से बंद कर देंगे। देखिए हमारा बड़े साइज का यूजफुल बैग बिल्कुल रेडी है, ये देखिए।